कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने आगामी त्योहारों व विकास कार्यों और बारिश से नष्ट हुई फसलों को लेकर की समीक्षा बैठक अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा और राजस्थान की सीमा पर मल्टी मॉडल हब बनाने की योजना तैयार की जा रही, जिसे लेकर मथुरा के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने भी इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में संबंधित विभागों के सभी प्रभारी अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राजस्थान और मथुरा की सीमा पर बनाए जाने वाले इस मल्टी मॉडल हब के संबंध में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हब से पर्यटन के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों को सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में चालित योजनाओं की भी जानकारी व लाभ मिलेगा। मीडिया प्रभारी ललित अग्रवाल, ब्रज प्रांत ब्यूरो चीफ क्राइम रिपोर्टर धर्म सिंह ब्रजवासी की खास रिपोर्ट। आपकी तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ विशेष शुभकामनाएं जनपदवासियों को देना चाहेंगे? सभी जनपदवासियों को, सभी मथुरावासियों को मेरी तरफ से और पार्टी प्रशासन की टीम की तरफ से, पुलिस की टीम की तरफ से बहुत बहुत आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं हैं। हर्षोल्लास का ये समय सभी लोग अपने परिवारों के साथ बिताएं और आगे आपके जीवन में त्योहारों के माध्यम से सुख और समृद्धि आए, यही हमारी कामना रहेगी। पुलिस और प्रशासन की पूरी व्यवस्था इन त्योहारों को लेकर उसकी समीक्षा करी गई है, खासकर क्योंकि बाजारों में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है ऐसे समय में, जो ज़रूरी है कि हमारी पुलिस के सभी साथी मौके पर तैनात रहेंगे। फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी इस समय। प्रशासनिक अधिकारियों और खासकर खाद्य सुरक्षा की टीमों को भी एक्टिव करा गया है, क्योंकि इस समय है काफ़ी खरीदारी भी लोग करते हैं और खाने पीने के सामान भी खरीदे जाते हैं, तो उसकी भी लगातार चेकिंग रहेगी। लोगों से भी यही अनुरोध है कि पटाखों से दूर रहें, पॉल्यूशन जिससे होता है, प्रदूषण होता है, इस तरह से पटाखों से दूर रखें। हंसी खुशी के साथ परिवार वालों के साथ सुख समृद्धि से त्यौहार मनाएं। सर, आज कई बैठकों का दौर है, क्या कुछ विशेष बैठकों में आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं? आज कृषक संगठनों की जो एक बैठक होती है FPOs की, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी की भी हमेशा ये कहना रहता है कि उनको प्रमोट करना है, उसकी एक बैठक करी गई। जनपद में 13 FPOs हैं इस समय, और उनको आगे की राह कैसे दिखानी है, किस प्रकार से है खेती को एक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई FPOs से जुड़ें, और FPOs से जुड़ने के बाद जिन सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिल सकता है FPOs को, उसको लेके एक विस्तृत बैठक करी गई। आगे आने वाले दिनों में प्रयास होगा कि इनकी संख्या भी बढ़े और जो FPO